यशायाह भविष्यवक्ता की वाणी अध्याय 22। यशायाह अध्याय 22। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो, हे कोलाहल और उधम से भरी नगरी, हे प्रसन्न नगर, तुझमें जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संख भाग और धनुर्धारियों से बांधे गए हैं, और तेरे जितने शेष पाए गए वह एक संख बांधे गए। वे दूर से भागे थे, इस कारण मैंने कहा मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रो। मेरे नगर के सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। यह तो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी, और शहर पनाह में सुरंग लगाई जाएगी, और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा, और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं, और कीर ढाल खोले हुए हैं, और तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी, और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। और उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया, और अब तुमने वन नाम भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया, और तुमने दाऊदपुर की शहर पनाह के दरारों को देखा कि बहुत हिस्से हैं, और निचले पोखर के जलों को इकट्ठा किया, और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहर पनाह के दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया, और दोनों भिंतों में के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा। तुमने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, और जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा है उसकी ओर तुमने दृष्टि नहीं की। और प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने उस समय रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाखमधु पिया जा रहा है, और कहते हैं कि आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की कि निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारे मृत्यु तक न हो सकेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा का यही कहना है। प्रभु सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कहा कि यहां तू क्या करता है, और यहां तेरा कौन है कि तूने यहां अपनी कब्र खुदवाई है। तू तो अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवा लेता है। देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा, वह तुझे मरोड़कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे विभव के रथ वही रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और वह तेरे पद से तुझे उतार देगा, और उस समय मैं हिल्किया के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर तेरा ही अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी ही पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा, और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए विभव का कारण होगा, और उसके पिता के घराने का सारा विभव वंश और संतान सब छोटे छोटे पात्र क्या कटोरे क्या सुराइया सब उस पर टांगी जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खुंटी जो दृढ़ स्थान में गाढ़ी जाएगी वह ढीली हो जाएगी और काटकर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है।